अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल रोटी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और सबको बनानी भी आती है, लेकिन मैं ये उनके लिए बना रही हूँ जिनको अभी नए नए हैं किचन के काम में, बनानी नहीं आती है। तो कुछ टिप्स बताऊंगी मैं रोटी को मुलायम करने के लिए, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी रोटी को फुलाने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है ये आटा एक बाउल भर के। अगर इसको ग्राम्स में नापेंगे तो ये आधी किलो आटा है। ये हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम डाल लेंगे इस आटे को। अब हम इसमें डालेंगे नमक एक चम्मच। नमक से रोटी टूटती नहीं है और हल्का सा नमक का टेस्ट रोटी में अच्छा लगता है, ये एक टिप है। एक चम्मच भर के हम ऑयल डालेंगे इसमें, जो भी आप इस्तेमाल करते हो ऑयल, पूरा एक चम्मच लिया है हमने। थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं इस तेल को डालने से, आप चाहे ना भी डालें कोई बात नहीं, सिर्फ नमक नमक डालें, लेकिन इस तेल को डालने से रोटी बहुत मुलायम बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक लोई सी तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे पानी, सारा सूखा आटा हम गीला कर लेंगे। पानी इस तरीके से डालेंगे कि हमारा आटा पतला ना हो। आप देख सकते हैं कि हमने सारा सूखा आटा गीला कर लिया है इस तरीके से एक साथ। अब हम हाथ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे। इस तरीके से कूंदेंगे और कुंडे को हम साइड में से साफ करते रहेंगे बीच बीच में, और थोड़ा सा पानी लेंगे। आटा गूंदने की वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है, लेकिन हमने सोचा एक बार और आपको दिखा दें हम रोटी बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से ऐसे करते रहेंगे और यहाँ से उंगलियों की मदद से आप पूरे जोर के साथ इस तरीके से 10 मिनट लगातार गूंदेंगे। ये भी एक ट्रिक है, रोटी इससे फूलती है और फटती भी नहीं है, बहुत अच्छी मुलायम बनती है। जितना अच्छा हमारा आटा गूंदा हुआ होगा उतनी अच्छी हमारी रोटी बनेगी। तो इस तरीके से हम ऐसे बीच बीच में पानी भी लगाते रहेंगे और 10 मिनट लगातार गूंदेंगे इसको हम। आप देख सकते हैं हमारा आटा गूंदते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। ये बिल्कुल हमारा आटा गूंद के तैयार है, देख सकते हैं आप कितना मुलायम है ये, और ना पतला है ना बहुत केड़ा है। तो अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पर, और आपके पास अगर टाइम कम है तो आप 15 मिनट के लिए रख दें, 15 मिनट में भी ये सही हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर टाइम ज्यादा है तो कम से कम इसको आधे घंटे रखें, तो इससे बहुत अच्छी रोटी बनेगी। ये भी एक रोटी बनाने की, अच्छी रोटी बनाने की टिप है। ये देखिए हमने इस बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है। इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा हाथ गीला करके पानी का इस तरीके से इसके ऊपर कर देंगे और ढक देंगे आधे घंटे के लिए, फिर हम रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे इससे। ये आटा हमारा तैयार है रोटी बनाने के लिए। अब हम सबसे पहले इस सूखे आटे में इस तरीके से हाथ लगाएंगे और पेड़े बना लेंगे।
नॉर्मल जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है। ये हमने चार पेड़े तोड़ लिए हैं आटे में से, इस तरीके से उठाएंगे ऐसे, इसको इस तरीके से पेड़ा तैयार कर लेंगे हम। पहले हम चार पेड़े बना लेते हैं। ये देखिए ये चार पेड़े हमारे बनके तैयार हैं। अब हम इसको एक पेड़े को उठाएंगे जो हमने सबसे पहले बनाया था, इस तरीके से सूखे आटे में लगाएंगे, दोनों साइड से ऐसे घुमाएंगे किनारे से इस तरीके से, और फिर बीच में से भी हल्का हल्का दबा के इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हम किचन प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से इसको रखेंगे और ऐसे बेलेंगे। आप चाहें तो चकले पर भी बेल सकते हैं ऐसे, इस तरीके से बेल लेंगे। अब इस तरीके से हम दोबारा बनाएंगे इस ऐसे। तवा हमने गरम करने रख दिया है, सारे हम ऐसे ही बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाते रहेंगे हम बीच बीच में। आप देख सकते हैं ये हमने नॉर्मल तवा जो आयरन का होता है उसको गर्म करने के लिए रख दिया है, रोटी का तवा। आंच हमारी फुल है, हम इसको चेक करेंगे इस तरीके से। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस रोटी को इस तरीके से हाथ पर उठाएंगे और हल्के से इस तरीके से करेंगे। जितनी बड़ी आपको करनी है उतनी बड़ी करने के बाद इसको तवे पर डालेंगे इस तरीके से। हल्का सा कलर चेंज होने देंगे हम इसका, आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम रोटी को पलट देंगे और ब्राउन चित्ती आने तक हम इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं ब्राउन चित्ती आ गई है इस पर। अब हम रोटी को सेकेंगे, पहले हम सीधी तरफ से सेकेंगे। रोटी को फुलाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, टिप्स होती है बहुत अच्छी। आप देख सकते हैं कि रोटी फूलती जा रही है। अब हम इसको दूसरी साइड से सेकेंगे और चिमटे से हल्के हल्के हम इस तरीके से दबाएंगे। ये भी एक टिप होती है रोटी को फुलाने की। आप देख सकते हैं हमारी रोटी कितनी अच्छी फूल के तैयार हो गई है। मैं आपको एक बार फिर सेक कर दिखा देती हूँ दूसरी रोटी। आप देख सकते हैं ये इसी तरीके से बिल्कुल फूलती जा रही है। जो हमने तरीका बताया है बिल्कुल उसी तरीके से सेकें, चिमटे से हल्के हल्के इसको दबाते रहेंगे। देखिए ये भी हमारी रोटी बिल्कुल फूल के तैयार हो गई है। अब हम बिल्कुल उसी तरीके से तीसरी बार रोटी बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसको पहले हम हाथ से बढ़ा लेंगे फिर तवे पर डालेंगे। ये हमने तवे पर डाल दी है, अब इसका कलर चेंज होने के बाद हम पलटेंगे इसको। ये कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसको पलट देंगे। देख सकते हैं आप, अब ब्राउन चित्ते आने तक हम इसको पकाएंगे, चेक करेंगे हम। अभी हमारी रोटी पर ब्राउन चित्ती नहीं आई है। अब हम इसको सेकने जा रहे हैं। इसमें थोड़े बबल से ऊपर को उठने लगे हैं, तो ये बिल्कुल पक चुकी है रोटी। अब हम इसी तरीके से इसको फिर सेक लेंगे। मैंने आपको तीन बार रोटी सेकना बता दिया है, आप देख सकते हैं
बिल्कुल जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी हर रोटी बिल्कुल फूल के फुलके की तरह हो जाएगी। देख सकते हैं चिमटे से इसी तरीके से दबाएंगे। ये हमारी तीन रोटियां तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको चौथी रोटी बताऊंगी। अब मैंने ये चौथी रोटी तवे पर डाल दी है, पलट भी दिया है इसको। इस पर ब्राउन चित्ती आनी शुरू हो गई है, चेक करेंगे हम इसको, देख सकते हैं आप। अब हम इसको दूसरे तरीके से सेकेंगे, देखिए इसमें बबल्स आ चुके हैं। इसको हम सीधी कर देंगे और इसको हम तवे पर ही सेकेंगे। इसको हम कपड़े की मदद से सेकेंगे। इसमें कभी कभी ऐसा होता है ये फूल भी नहीं पाती है, लेकिन अच्छे से सीख जाती है। अगर आप चाहें तो इसको इसी तरीके से सेक सकते हैं। देखिए अलट पलट के हम अच्छे से सेक रहे हैं इसको। ये हमारी चौथी रोटी भी तैयार है बिल्कुल। इसी तरीके से हम सारी रोटियां बना लेंगे। ये देखिए तैयार है हमारी रोटियां। आप देख सकते हैं जब ये फूल जाती हैं पूरी, तो बिल्कुल इसके दो पीस कर सकते हैं हम इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही मुलायम हो जाती है। ये देखिए कितनी मुलायम हो गई है। तो फिर बनाइए आप भी हमारे तरीके से। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।